हरियाणा की राजनीति में पिछले दो दिन में कई बदलाव देखने को मिले। पहले कांडा बीजेपी को समर्थन देने पहुंचे और फिर बीजेपी ने कांडा की मदद लेने से इनकार कर दिया। आखिर वो कौन सी वजह रही जिससे बीजेपी हाईकमान बचता नजर आया? रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में सरकार बनाने के लिए सिरसा से हरियाणा लोकहित पार्टी से विधायक चुनकर आए गोपाल कांडा का समर्थन बीजेपी ने ठुकरा दिया है। हरियाणा बीजेपी का कहना है कि गोपाल कांडा को सरकार में शामिल किए जाने का सवाल ही नहीं उठता। आपको बता दें कि जेजेपी के समर्थन के बाद बीजेपी ने हरियाणा में सरकार बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर हरियाणा गए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद कहा कि गोपाल कांडा से पार्टी को कोई समर्थन नहीं चाहिए। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, गोपाल कांडा से पार्टी कोई समर्थन नहीं ले रही है। That's all. The matter is there. दरअसल गोपाल कांडा साल 2012 के गीतिका शर्मा सुसाइड कांड में आरोपी हैं। कांडा की MLTR एयरलाइंस में काम करने वाली एयर होस्टेस गीतिका शर्मा 5 अगस्त 2012 को दिल्ली में अपने अशोक विहार स्थित घर पर मृत मिली थी, जिसके बाद इस केस में कांडा को अभियुक्त बनाया गया। इतना ही नहीं, गोपाल कांडा पर गीतिका शर्मा से यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे। गीतिका ने सुसाइड नोट में आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप भी लगाया। इंसाफ न मिलने की वजह से गीतिका की मां ने भी आत्महत्या कर ली थी। 18 अगस्त 2012 को गोपाल कांडा को जेल भेज दिया गया। जमानत पर रिहा गोपाल कांडा के खिलाफ दिल्ली में केस चल रहा है। फिलहाल अदालत रहे इस केस में गोपाल कांडा को 27 और 28 नवंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।